ये जो आप देख रहे हैं ये दुकानें थी जो रेंटल की हुई थी, आप देख रहे हैं कुहानी में जहाँ पे बाद में कॉलोनी बना हुआ था। और ये है जिस पर देते हैं जी, ये बाबा जी ने खुदी संवाद यहाँ से पता चलता है कि 15 जनवरी 1986 में बाबा जी यहाँ के 1986 में आप दस्तक देते हैं जी, नाम पता है आपको। पार्टी चौक वो थाने के आगे मुड़े मैं बाबा जी का बड़ा बेटा हूँ, काफी नाम है, आप भी इजाजत से आना चाहते हैं। अगर इनके पास चाबी हो तो आप मुझे भी सिखाएंगे। बाबा जी के पास जो मेहमान आते थे ना रहने वाले, वो इस कमरे में ठहरते थे। आए फिर आप आगे चलते हैं, बाबा जी को आपको कमरा दिखाते। हमारे शहनशाह रहे और बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, इस ये वो पाकीज़ा घर है हमारे लिए, ये काबिल एहतराम है। यहाँ पे जो रह रहे हैं इस वक्त वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। आए जी, बिस्मिल्लाह। ये है जी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़िंदगी के अयाम गुजारे। जो वक़्त के नवाब थे, जो जागीरदार थे, फ्यूडल फैमिली से जिनका ताल्लुक था, माँ बाप के अकलौते बेटे थे, जब अल्लाह के राह में अपने आप को वक्फ कर दिया, इश्क़े अल्लाह हो गया, जब सारा कुछ छोड़ दिया, अब आप देख रहे हैं ये वाशरूम खुल गया जी। आप देखिएगा कि इसका साइज से आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अपनी ज़ात की मलामत कैसे की। अपने आप को उन्होंने आप खुद आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो जिन्होंने अपने नफ्स का जनाजा निकाला। ये एक लाइट इसकी नहीं जाती जी, छोटा सा वॉशरूम था किसका, जो वक़्त के नवाब आदमी थे। जब अल्लाह के इश्क में इंसान गर्क होता है तो फिर दुनिया की आसाइशें अल्लाह तला सारा कुछ इंसान भूल जाता है। मैं इसको ज़रा चूमने लगा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी अकीदत है कि ये वो हसीन कमरा है जिसमें कलंदर पाक ने अपनी ज़िंदगी के हसीन अपने लम्हात गुजार के, जहाँ से उन्होंने तबलीग का सिलसिला शुरू किया पूरी दुनिया के अंदर। फिर आपका जो सूरह रहमान का, अगर आप महसूस ना करें तो आएंगे आपको मजीद दिखाते हैं। ये भी बाबा जी मेहमान भी ठहरते थे आपको ये। और फिर इसी तरह इस मुख्तसर घर का ये किचन था और ये बाबा जी सरकार, ये जो मोहल्ला है इस मोहल्ले का नाम, इसको बिस्मिल्लाह स्ट्रीट औरंगजेब मोहल्ला कहते हैं, विक्टोरिया स्कूल के करीब है। आज मुझे मेरी सांसों में वो खुशबू है इस वक्त, मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी।
मैं उनको चलते हुए यहाँ महसूस कर रहा हूँ, वो अजीम हस्ती जो यहाँ क़याम पज़ीर रही और इस घर से उन्होंने जो तबलीग शुरू की अल्लाह की वादानियत की, इश्क़ मुस्तफ़ा की, इस घर से आपका पैगाम फिर पूरी दुनिया पे फैला आए। बाबा जी की कमरा, एक ये कमरा था जी, ये इस कमरे की ये जो अलमारी है, यहाँ पे बाबा जी ने बुक्स रखी होती थी। इस कमरे के अंदर उनके इस्तेमाल जो उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थी वो उसको यहाँ पे रखते थे। और जो मेरे छोटे भाई हैं फरद साहब, जब वो अक्सर यहाँ वो रहते थे तो ये जो है कमरा वहाँ उनके लिए भी बाबा जी ने महसूस किया हुआ था। आए फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। आए ना साहब, खाना कहाँ है, वो आगे कहा जो है साहब खाना, हमारी चाय बाबा जी का नशा है। नशाई आदमी को दूसरी खुराक की चीज़ जरूरत नहीं, आपने काम करना है। Thank you.